अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम एक और मजेदार सी रेसिपी बनाएंगे और आज मैं बनाऊंगी चिकन रेशमी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। उसके लिए मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं आपको वन बाय वन करके बता देती हूँ। और यहाँ पर चिकन रेशमी बनाने के लिए मैं लूंगी सबसे पहले दो प्याज। मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। हमने इसका पेस्ट यूज करना है। चार यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्च और वन टेबलस्पून धनिया। इन दोनों चीजों को मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। और एक कप मैं यहाँ पर लूंगी दही और यहाँ पर मैं लूंगी वन टेबलस्पून सफेद जीरा पाउडर। वन टेबलस्पून मुझे चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैंने थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लिया था। 1.5 टेबलस्पून मुझे चाहिए यहाँ पर धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए तिल का पाउडर। तिल को भी मैंने 1 टेबलस्पून लेके और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह पीस लिया था। और इसके अलावा मुझे चाहिए यहाँ पर 3 टेबलस्पून क्रीम। ये मैं टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला। 1 टीस्पून नमक यूज करूंगी। 1 टीस्पून मुझे चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए लेमन जूस। 1 टीस्पून चाहिए मुझे हल्दी। यहाँ पर मैं लूंगी 3 पाव चिकन। 750 ग्राम मेरे पास है चिकन। ऑलरेडी मैंने इसको वॉश कर दिया था। और अब आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक बाउल के अंदर सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। और मैं ऐड करूंगी दही। अच्छी तरह हम इसको ले लेंगे सारी को। और अब मैं डालूंगी क्रीम। सारी चीजों को वन बाय वन डाल के हम इसकी मजेदार सी चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिली और हरा धनिया का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर तिल भी ऐड कर दूंगी जो ऑलरेडी मैंने पीस के रखे हुए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च भी हम ऐड कर देंगे। हम 1 टीस्पून यूज करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च क्योंकि ऑलरेडी मैं हरी वाली मिर्च इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और अब मुझे चाहिए नमक, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। और इसके साथ हम हल्दी को भी ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास सफेद जीरा पाउडर। और अब हम ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस। सारी चीजों को हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ प्याज को इसमें मिक्स नहीं करना और बाकी सारे मसालों को और दही को और क्रीम को अच्छी तरह हमने मिक्स करके मजेदार सी चिकन की मैरिनेशन रेडी करनी है। ये ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। दार सी मैरिनेशन हो चुकी है रेडी और अब हम इसके अंदर सारे चिकन को ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके एक घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और एक घंटे के बाद हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। और एक घंटा हमने इसको जरूर रेस्ट देना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और मजेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो जाए। चले जी, अब एक घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैं लूंगी 1/2 कप ऑयल। इसको थोड़ा सा हम गरम करेंगे। ऑयल यहाँ पर थोड़ा गरम हो चुका है और प्याज में इसमें डाल के लाइट गोल्डन करूंगी जो ऑलरेडी मैंने पीस के रखे हुए थे। हमने इसको डार्क कलर नहीं देना, बहुत ही लाइट कलर देंगे। और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस भी करते जाएंगे। ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पर प्याज को हमने लाइट गोल्डन कर दिया और अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे सारी मैरिनेशन के साथ। सारी चिकन हमने ऐड कर दी और मैं इसको करूंगी हल्के हाथों से मिक्स। इसके अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना। इसके अंदर जो हमने दही ऐड की थी और चिकन का जो अपना पानी होगा उसके अंदर ये हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। और अभी मैं इसको ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको
पकने रखूंगी और उसके बाद हम दरमियान दरमियान से इसको चेक भी करते रहेंगे। और अब मैं इसको ढक्कन लगा के 25 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर रेशमी चिकन को बनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और आप चेक करें थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और हमने इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज किया था और चिकन का अपना पानी और दही के पानी की वजह से ये हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी। और मजीद मैं इसको 4 से 5 मिनट दूंगी, ये ड्राई हो जाएगी और इसके बाद हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करेंगे। यहाँ पर चिकन को मैंने ड्राई कर लिया था, आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और 1/2 टीस्पून में ऐड करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और हमारी डिश हो गई है रेडी और अब हम इसको डिश आउट करेंगे।